अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नफीसा, मैं राधिक रफन विद नफीसा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे अपनी चीज़ों को जो मैं उर्दू बाज़ार से लाई थी। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वो व्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं उर्दू बाज़ार गई थी और ये चीज़ें लाई थी। तो मैं ये कटर जो है वो देखती थी, वीडियोज़ में देखती थी, ये मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने फिर ये जाके भी लिया। ये देखिए, वैसे मुझे ऊपर से निकालना चाहिए था लेकिन मैंने इसको यहाँ से निकाला है ताकि मैं बाद में भी इसमें डाल सकूँ। ये देखिए, इसमें 5 प्लेयर्स हैं, ये 4 हैं और ये 5। अब इसको चेक करते हैं। वाह, ये तो काम कर गया। चले अब मैं दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक बड़े वाला ब्रश भी लिया है और ये एक 000 साइज़ का भी, ये मैंने आउटलाइन के लिए और ये मैंने बेस बनाने के लिए लिया है। ये मेरे कुछ पुराने पेंट्स हैं जो मम्मा पहले लाई थी और ये न्यू पेंट्स हैं। ये लेमन येलो है और ये वाइट मैंने इसलिए लिया ताकि किसी कलर को, अगर डार्क कलर को लाइट करना हो तो इसलिए। ये ग्रीन है और ये ऑरेंज और ये एक पिंक था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैंने ये भी ले लिया। और एक ये भी था, ये इनसे छोटा है, ये पेंटल कंपनी का है, पेंटल आर्ट्स, ये भी लिया है। ये मैंने 6 लिए हैं और जो मेरे पहले थे उनको मिला के ये 11 हो जाते हैं। मुझे तो अपने ये वाले एक्रेलिक पेंट बहुत पसंद आए। आप लोगों को कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जब मैं ट्राई करके देखूंगी तो फिर मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि ये कैसे हैं। सॉरी, ग्लू गन स्टिक्स। ये देखिए, ये डायरी भी लाए थे, इसको भी अब मैं अनबॉक्स करती हूँ। ये देखिए, इसमें अब मैं अपनी मेमोरीज लिखूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी एक और डायरी थी लेकिन वो टूट गई थी तो मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखा करूंगी। देखिए, ये टेप्स भी लाई हूँ, मेरे पास पहले भी थी लेकिन वो अब ख़त्म हो गई तो मैं एक और लाई हूँ पैकेट, और साथ में एक ये बड़ी वाली टेप का। ये बाइंडिंग टेप ही है लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन हुई हुई है तो मैंने सोचा ये घर ले जाऊँ, इससे भी कुछ हम बाइंड कर सकते हैं। ये मैंने अपनी ज्योमेट्री भी ली है। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। देखिए, इसके अंदर प्लास्टिक है लेकिन मैं ये नहीं निकालूंगी, मुझे तो इसका कलर बहुत प्यारा लगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा। ये मेरे स्टिकी नोट्स हैं, ये ले लिए हैं, अब देखती हूँ कि कहाँ यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये कलरफुल है, वाह ये कितने प्यारे लगते हैं इस तरह जब मैं इनको करती हूँ। हाँ, कितने प्यारे हैं, दिल करता है इनके साथ इनको इस तरह किए जाऊँ। देखिए, ये फैब्रिक पेंट्स हैं, ये लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे उस वक्त ये थे लेकिन फिर हमने नए लिए थे, लेकिन जब अब गए हैं तो फिर ये भी हमने ले लिए। देखिए, इसको अब हम लोग खोलते हैं। वाह, इस कटर के साथ इतना मज़ा आ रहा है, दिल करते है काटे जाऊं। ये देखिए, अब जब मैं इन्हें यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, देखते हैं कि कैसी चीज़ बनती है। ये ग्लू गन स्टिक्स हैं,
मैंने पूरा पैकेट ही ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए इसमें 36 पीसेज हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।